मिर्जापुर में नवरात्र के पहले दिन सुप्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के चरणों में मत्था टेका। पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह ने बताया कि धाम परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट करके एडिशनल एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, जल पुलिस, पुलिस बल, पीएसी विभिन्न स्थानों पर, घाटों पर, मार्गों पर, मंदिर के आसपास प्रबंध किया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए हमने तीन पीवाईटी भी बना रखी है। इसके अतिरिक्त हम लोग स्वयं भी भ्रमणशील हैं समय समय पर, और हमारे जो अधिकारी जनपद मिर्जापुर के हैं, जैसे एडिशनल एसपी सिटी हैं, सीओ सिटी हैं, ये लोग सतत छोड़े गए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इसमें अटेंड करेंगे। यातायात पुलिस के लिए भी काफ़ी प्रबंध किया गया है और पार्किंग नज़दीक कराई गई है। श्रद्धालुओं की हर भावना का और उनके हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी काफ़ी प्रबंध किए गए हैं। हम लोग ये मां विंध्यवासिनी की कृपा से इंश्योर करेंगे कि मेला जो है सफल हो और श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो। थैंक यू। प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम है, जहाँ पर आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और मंदिर परिसर के मेन गेट पर हम दिखा जाएंगे कि यहाँ लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु करने आने वाले हैं और यहाँ पर जो है दर्शन करके मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेंगे। भारत।